आप या आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उस परेशानी की बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं भारत का प्रत्येक भारतवासी इस समय जो है फेस कर रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि डेली डोज बॉक्स पर आपके हक की आवाज हमेशा उठाई जाती है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुद्दे पर बताने वाला हूं, ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले आपको मैं एक क्लिप दिखाऊंगा, आपको इस वीडियो में एक क्लिप दिखाऊंगा। उस क्लिप को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में, किस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिएगा जो मुझे भेजी है बिहार से, जिला अररिया से। थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय निकाला और एक क्लिप मुझे भेजी, और मैं उसको अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस तरीके से उन अभ्यर्थियों का जो है अधिकार, जो अधिकार होना चाहिए, जो अभी विद्यालय में होने चाहिए वो बाहर हैं, और जो बाहर होने चाहिए वो विद्यालय के अंदर हैं। ये वीडियो क्लिप जरूर देखिए। JNVST 2023 के अंतर्गत JNV अररिया बिहार में वेटिंग लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगेगी। मेन रिजल्ट से नामांकन के बाद बताया गया था कि 10 रिक्ति है जो वेटिंग लिस्ट से भरी जानी है। आज बताया गया कि 3 रिक्ति है। 7 बच्चों का नामांकन कर लिया गया, कोई रिपीटर्स नहीं फंसे। निश्चित समय सीमा के अंतर्गत चलने वाली नामांकन प्रक्रिया समय बीत जाने के बाद भी चलती रही। आज तक वेटिंग लिस्ट नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया गया। मेरे बच्चे का 97.5% है वेटिंग लिस्ट का प्रतीक्षा कर रहा है। पता नहीं अब कब वेटिंग लिस्ट चिपकाया जाएगा। विद्यालय में बताया जाता है कि अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। 7 वो बच्चे हैं जिनका मेन सूची में नाम था और कागज की कमी थी, वो बाद में धीरे धीरे पूरा कर दिया गया। दोस्तों, ये बात सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये बात लगभग हर जगह की है और लगभग हर जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, नंबर्स को लेकर बात करें, सबसे पहली बात, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति नंबर नहीं बताती है। कोई भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा दे के आता है किसी भी परीक्षा में, तो उस परीक्षा के मार्क्स उस अभ्यर्थी को बताए जाते हैं, चाहे वो फेल हो या वो पास हो, ये उसकी किस्मत है भाई। फेल होना, पास होना, ये उसकी किस्मत है। सिलेक्शन होना या ना होना उसकी किस्मत है। लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा देता है उसको कहीं ना कहीं ये हक होता है कि भाई उसके मार्क्स कितने हैं। नवोदय विद्यालय समिति के स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो सभी लोग, ताकि उन लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचे जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं। मार्क्स 100 होने चाहिए भाई। कोई अभ्यर्थी अगर पेपर दे के आया है तो उसके मार्क्स 100 होने चाहिए। अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। दोस्तों, मार्क्स पता करने का तरीका मैंने बताया, और इससे पहले देखो, पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं लेकिन आपकी परेशानी, आप ऐसे समझ लीजिए, आप जब भी परेशान होंगे कोई आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करेगा। ये चीज़ देखी समझी है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं उनके। अपना क्या है, अपने तो भैया 24,000-25,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन 24-25,000 के लिए मैं हर वक्त खड़ा हूँ। चाहे वो मुझे रात में कमेंट करें, चाहे वो दिन में कमेंट करें, अगर मेरे पास समय होता है और कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी होती है उसके सामने, तो मैं उसको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए भी कभी किसी को मना नहीं किया, अगर उसकी बहुत ज़रूरत खास है तो। अगर उसके साथ में अन्याय हो रहा है तो मैं उसके साथ में हर पल खड़ा हूँ। इनके साथ में मैटर ये है कि ये JNV अररिया की बात है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि जब इन्होंने पहली लिस्ट जब जारी हुई तो वहाँ पर 10 वेटिंग बता रहा था। देखो, एक निश्चित समय होता है, जैसा उन्होंने बताया कि एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित डेट होती है। अगर उस डेट के अंदर आपका एडमिशन नहीं होता है तो वहाँ उस डेट तक एडमिशन सारे के सारे कंप्लीट करके जितना डेटा होता है वो डेटा नवोदय विद्यालय समिति में भेज दिया जाता है कि भैया इतनी सीटें खाली हैं और इतने बच्चों का एडमिशन अभी होना है, फिर वहाँ से वेटिंग लिस्ट आती है। इन्होंने पहले पता किया तो वहाँ पर 10 सीट बता रहे थे, और अभी जब पता किया तो बता रहे कि 3 सीट है, 7 का बैक डेट में कर लिया। क्यों भाई, बैक डेट में क्यों कर लिया?
जब आपके एडमिशन की डेट निकल चुकी है तो बैक डेट में करने का क्या मतलब है? सिंपल सी एक बात ये बताइए, आपने बैक डेट में क्यों एडमिशन किया, क्यों किया? इस चीज़ का जवाब हम लोगों को चाहिए, हमारी ऑडियंस को चाहिए है 100%। तो बैक डेट में करने का कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे अभी वेटिंग लिस्ट की जो डेट है वो 10 तारीख है, यानी आज की डेट तक एडमिशन हो जाना चाहिए। नवोदय विद्यालय समिति के लेटर में साफ लिखा है भैया 10 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां से जो लिस्ट है वो भेज दी जाएगी कि भैया इतने लोग नहीं आए और उन लोगों का एडमिशन हो जाना चाहिए। तो सवाल फिर से वही कि ऐसा धांधल गर्जी क्यों चल रही है, क्यों इस तरीके से बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है? पहले आपने क्वेश्चन गलत किए, फिर आपने जो है नंबर्स उनके बढ़ाए। अगर आप नंबर ही बढ़ा रहे हैं तो फिर पूरा रिजल्ट रिवाइज करिए, क्योंकि उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन बच्चों के क्वेश्चन सही थे जो बाहर बैठे हैं, और सही क्वेश्चन है, उनके नंबर अगर 93 हैं तो 2.5 नंबर बढ़ा दीजिए, 95.5 हो जाएंगे, उनका वेटिंग में भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका क्वेश्चन गलत है लेकिन सिलेक्शन होकर बैठ गए, वो सिलेक्शन उनका हो गया है और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा देखो सिंपल सा मतलब ये है कि मैं किसी बच्चे के साथ में नहीं हूँ कि उनका एडमिशन कैंसिल कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन अगर आप अन्याय कर रहे हैं तो आपको न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए। आप न्याय किस तरीके से करेंगे? इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना बड़ा जो है एक जाल है यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय का। पूरे देश में हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, सिर्फ तमिलनाडु स्टेट को छोड़कर, तमिलनाडु स्टेट में नहीं है। तो जब इतनी बड़ी संस्था रन हो रही है, इतनी बड़ी संस्था के अंतर्गत आप परीक्षाएं करा रहे हो, उन परीक्षाओं की गलतियां आप कैसे सुधारोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के इस वीडियो का। दोस्तों अब आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत है, आप लोग उसी चीज को देखते हो जो चीज आपको दिखाई जाती है। सिंपल सी बात, अभी आप कोई अगर फेक वीडियो डाले तो आप उसको ज़रूर देखोगे, लेकिन जो सच होता है ना वो कोई दिखाता नहीं है, और सच जो दिखाता है वो मेरी तरह ऐसा ही रहता है, 100 व्यूज़, 200 व्यूज़, 400 व्यूज़ पे आ जाती है गाड़ी। तो जो सच बोलता है उसका कोई साथ नहीं देता। मुझे पता है कि सच को विकास जो है विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन सच का विकास ज़रूर होता है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। सत्य थक सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इन भाई साहब के लिए आवाज उठाइएगा, और अगर आपके जिले में ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी स्टोरी को अपने इस चैनल पर लाइव दिखाएंगे, जैसे आज के इस वीडियो में दिखाया है। वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में दम है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।